Students, I hope that you all are safe and studying well at your home. Students, today we'll talk about language and culture. We all know that we live in India and India is a country of rich languages. बच्चों आज मैं आपकी मदर टंग के बारे में आपसे बातचीत करूंगी. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट मदर टंग्स हैं. किसी की मदर टंग मराठी है, किसी की बंगाली है, किसी की गुजराती है, किसी की उर्दू है, तो किसी की पंजाबी है. तो बच्चों हम अपने घरों में अपनी अलग अलग मातृभाषाओं में बात करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश और हिंदी को इम्पोर्टेंस देने के कारण अपनी मातृभाषा भूलते जा रहे हैं और हम जनरली अपने घरों में उस भाषा में बात नहीं करते हैं. लेकिन बच्चों आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आप अपने किसी फैमिली फंक्शंस में जाते हैं और जब आप देखते हैं कि कोई बच्चा आपका भाई से अगर वो अपनी मदर टंग में बात कर रहा है तो आपके जो आपके जो पूरे जो रिलेटिव्स हैं वो उसकी कितनी तारीफ करते हैं. वो बोलते हैं अरे वाह, इसकी मदर टंग तो बहुत अच्छी है, इसने अपनी मातृभाषा कितनी अच्छी तरीके से सीखी हुई है. तो उसको एप्रिसिएशन मिलती है और मिलनी भी चाहिए, बिकॉज मदर टंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, बिकॉज यू आर बॉर्न इन दैट कल्चर इन दैट लैंग्वेज. तो बच्चों आप आजकल ऑनलाइन एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं अपने घरों में और आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों में हैं. दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन लर्न योर मदर टंग. आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप उसमें वीक हैं, अगर आप अपनी मदर टंग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो दिस इज अ राइट टाइम व्हेन यू कैन इंटरैक्ट विद देम. आप उनसे अपनी मदर टंग लिखना भी सीख सकते हैं. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपके पास इतनी बड़ी फैसिलिटी है कि यू आर हैविंग रीजनल चैनल्स इन टीवीज आल्सो नाउडेज. आप डिफरेंट डिफरेंट रीजनल चैनल्स देख सकते हैं, उसमें मूवीज आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट बुक्स भी पढ़ सकते हैं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू कैन स्ट्रेंथन योर मदर टंग. बेटा मदर टंग इज नॉट ओनली द टूल फॉर कम्युनिकेशन बट इट इज ऑल्सो द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर कल्चर एंड रिलीजन. And it is the important thing which you should know in your life. So students, again I will come and interact with you regarding all the beautiful topics. You all are at home nowadays and you can learn a lot of things. One of the important topic was today which I spoke to you. And again I hope when I'll come to you, I'll speak on some different issues. Thank you. Stay safe, stay well and study well.